यार ये मैं उनके पास पहुंच चुका हूं। मैंने सोचा चलें आप लोगों को इस झील की भी सैर करा दें। मैं ये फर्स्ट टाइम आया हूं यहां पे। बतखें हैं, अगर हमारे पाकिस्तान में होती तो फिर इनका शिकार कर लिया होता। सामने वो मछली पकड़ने वाले वो भी हैं, बतख नुमा परिंदे होते हैं जो गोता लगा के मछली पकड़ते हैं। अक्सर चाइनीज़ फिल्मों में या चाइनीज़ वीडियो में, जैपनीज़ वीडियो में दिखाते हैं उनको मछली पकड़ता हुआ। इतनी बड़ी तो नहीं है झील, लेकिन ठीक है। यहाँ पे कश्तियाँ चलाने और घूमने फिरने बच्चों के लिए ठीक है। पकड़ लें इनको, शाम को फिर इनका पाव भाजी बनाएंगे। कबूतर भी हैं, ये बंदे को मैंने पकड़ लिया। हाँ भाई, ओ सर जी, आपने क्या हाल है? ठीक है, ठीक। क्या देख रहे हैं सर? ये देख रहे हैं परिंदे। अच्छा, कबूतर, बदक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग अल्लाह पाक के करम और फजल से शुरू करते हैं। उम्मीद काफ़ी आप लोग खैर खरीत से होंगे। इस टाइम तकरीबन 3 बजने वाले हैं और मैं जा रहा हूँ जी विलाजो मॉल, और मंगल का दिन है आज, यहाँ पे छुट्टी है। यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स हॉलीडे होता है एनुअल उसकी, तो ऑफिशियल गवर्नमेंट की छुट्टी है ये। सब ऑफिस वगैरह ये वो हर चीज़ बंद है, और मैं जा रहा हूँ इस टाइम विलाजो मॉल। वहाँ पे कोई दोस्त आए हुए हैं, उनसे मैंने मिलना है और फिर उनके साथ गपशप करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को भी दिखाएंगे विलाजो मॉल आज। और ऐसे भूख भी लगी हुई है, खाना भी नहीं खाया। देखता हूँ अगर उन लोगों ने खाना वगैरह नहीं खाया तो फिर कुछ खाने का सीन बनाते हैं। और वीज़ा अपडेट ये है कि कल बंदा मेरा गया था वहाँ पे, लेकिन उनकी जो है ना कोई लिंक का सर्वर जो है वो डाउन था, और बोल तो रहा है कि कल का दिन जो वेडनेसडे आने वाला है, जो बुध वाला दिन है, उसमें जो है क्या नाम है वो जाएगा। मैंने उसको बोला है कि यार अगर आप बिज़ी हो तो मुझे बता दें, मैं खुद चला जाता हूँ, मैं खुद करवा लेता हूँ, कोई इशू है तो। क्योंकि जितना मैं जल्दी कर रहा हूँ ना उतना वो मसला आ रहा है उसमें। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह करीम है। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और हमेशा अच्छा ही होगा। जब भी वीज़ा निकलते हैं तो इंशाल्लाह फिर हायरिंग स्टार्ट करेंगे, अब वो जहाँ की भी हो इंशाल्लाह, अल्लाह करीम है। तो मिलते हैं फिर विलाजो मॉल में और फिर गपशप करते हैं। यार मैं रूम पे वापस जा रहा हूँ, मोबाइल में भूल गया था उठाना, और मोबाइल उठा के फिर दोबारा वापस जाऊँगा मैं विलाजो मॉल, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से मुझे कॉल की हुई है और वो वेट कर रहे हैं मेरा। ठीक है, दिन है, हॉलीडे है, और पार्क जो है वो फुल है फैमिली की वजह से, तो इसलिए ना विलाजो मॉल के अंदर इंटर नहीं होने दे रहे जिस रास्ते से मैं जाना चाह रहा था। मेरे कहने का मकसद ये है, ये एस्पायर पार्क पे आए हुए हैं। तो क्या करें भाई, मैं कॉल कर लेता हूँ उनको, पूछ लेता हूँ कि कहाँ पे हैं। अगर तो वो हैं एस्पायर पार्क में, फिर तो मैं यहीं रुक जाता हूँ, साथ ही मॉल है। अगर वो एस्पायर पार्क में नहीं है तो फिर मुझे उधर जाना पड़ेगा। यार मैं पार्क के अंदर तो आ चुका हूँ और मेरे उनसे बात हुई है, तो वो बोलते हैं जी यहाँ पे छोटे छोटे ना बॉक्स नुमा एक रेस्टोरेंट बने होते हैं, तो अब मुझे उनको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पार्क जो है ये बहुत बड़ा है, कुछ छोटा एरिया नहीं है पार्क का। अब ये खेल वाली साइड पर हैं, दूसरी साइड पर हैं। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे दोबारा बाइक की तरफ जाना पड़ेगा। अभी मुझे याद आ रहा है कि पार्क जो है ना वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड है, और क्राउड तो बहुत ज़्यादा है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ,
कि यहाँ पे काफ़ी रश भी है और मैं थोड़ा पहले आया हूँ और मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि स्पायर पार्क जो है वो उस साइड पे है, दूसरी साइड पे, मैं गलत साइड पे आया हुआ हूँ। तो क्या करूँ यार, मैं एक काम करता हूँ, इनसे ना मैं लोकेशन मंगवाता हूँ और फिर देखते हैं कहाँ पे हैं ये। यार यहाँ पे आई सारी फैमिलीज हुई हैं और वो जो बैठे हुए हैं वो दूसरी साइड से बैठे हुए हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि ये जो पार्क है ना तकरीबन 30-35 एकड़ में, और अभी मैं बाइक पार करके पछता रहा हूँ कि सामने से घूम के आता ना उनके पास तो वो बेस्ट था, बजाय कि अभी मैं जा रहा हूँ पैदल उन लोगों के पास। और यहाँ पे कुछ सेरेमनी भी हुई होगी, ये टेंट्स वगैरह आप देख रहे हैं ना ये क्लोज हो चुके हैं, तो मैं लेट आया हूँ। चलें फिर भी उनसे मुलाकात करते हैं और फिर जो है ना आप लोगों को मज़ीद इस पार्क की सैर करवाते हैं। बहुत बड़ा पार्क है ये। यार ये मैं उनके पास पहुंच चुका हूँ, मैंने सोचा चलें आप लोगों को इस झील की भी सैर करा दें। मैं ये फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। बतखें हैं, अगर हमारे पाकिस्तान में होते तो फिर इनका शिकार कर लिया होता। सामने वो मछली पकड़ने वाले वो भी हैं, बत्तख नुमा परिंदे होते हैं जो गोता लगा के मछली पकड़ते हैं। अक्सर चाइनीज़ फिल्मों में या चाइनीज़ वीडियो में, जैपनीज़ वीडियो में दिखाते हैं उनको मछली पकड़ता हुआ। इतनी बड़ी तो नहीं है झील लेकिन ठीक है। यहाँ पे कश्तियाँ चलाने और घूमने फिरने बच्चों के लिए ठीक है। पकड़ लें इनको, शाम को फिर इनका पाव भाजी बनाएंगे। कबूतर भी हैं, ये बंदे को मैंने पकड़ लिया। हाँ भाई, ओ सर जी आपने क्या हाल है? ठीक है ठीक। क्या देख रहे हैं सर? ये देख रहे हैं परिंदे। अच्छा, बत्तख। अब मैं उनके पास जा रहा हूँ जिनकी मुझे कॉल आई थी। तो ये बंदे हैं, 1 2 3 4 बंदे हैं जी। ठीक है, तो ये भाई ने सुबह सुबह कॉल की है, मैं रास्ते में हूँ तो आपने चलना है। मैंने कहा अभी मैं सो के उठा हूँ, कैसे चलूँगा मैं? सही यार, शाम का टाइम हो गया है और अभी जो है ना हम थोड़ी सी प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ से जगह चेंज करने की, और हवा चल रही है, थोड़ी ठंड भी है, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा चहलकदमी, थोड़ी सी आवारगी कर लें। तो आप लोगों को एक बोर्ड है यहाँ पे कतर 2022 का, आप लोगों को बोर्ड दिखाता हूँ। आम दिनों में रश नहीं होता यहाँ पे, लेकिन आज जो है वो स्पोर्ट्स डे था जिसकी वजह से रश है बहुत ज़्यादा। बच्चे भी आए हुए हैं खेलने के लिए, पॉपकॉर्न डाल रहे हैं, बतखें मज़े से खा रही हैं। ये मेरे ख्याल में शायद वाली बात है, नील सर होगा टीम है, या शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन मुझे लग वैसे रहा है। ये आगे आपको पुल दिखाते हैं, उसके लिए यहाँ दूर से तो बड़ी प्यारी लग रही है। इन्होंने डब्बो रोटी वगैरह डाली हुई है इनको खाने के लिए, लेकिन ये बेचारी कितना ही खाएंगी, खा खा के थक गई हैं। इस साइड पे क्राउड है,
रेस्टोरेंट, छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं खाने पीने के। अंदर तो नहीं जा सकता मैं, दूर से मैं आपको पुल दिखा देता हूँ, लेकिन ये सूरज की लाइट है। मैं समझ रहा था कि वो कोई लाइट जल रही है, सूरज की लाइट पड़ रही है। बतखें जो है ना बड़े मज़े मज़े से नहा रही हैं। ये दूसरी साइड है झील की जहाँ से रोशनी पड़ रही थी। मैं उस टाइम यही समझ रहा था कि यहाँ पे जो है ना लाइटें जल रही हैं। अच्छा, इसमें मिक्स हैं, कुछ बतखेंगे भी हैं और कुछ मांग भी हैं, और हमारे यहाँ तो इनका शिकार कर लेके खा लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये डर नहीं रही हैं, टेम है। और वो बंदा इसकी सफाई कर रहा है, वो जो चीज़ें डाली हुई हैं इन्होंने वो उसको निकाल के फिर वो डस्टबिन में डाल रहा है। बड़ी बतखें भी हैं, छोटी भी हैं। ये स्टैचू बनाया हुआ है घोड़े का। बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है। दोस्त जो है वो पीछे छूट गए हैं, अब दोबारा उनके पास जाना पड़ेगा और नेक्स्ट प्लान बनाते हैं। मेरे ख्याल में खाने का मूड हो रहा है, शाम है और भूख वैसे भी लग रही है मुझे भी, क्योंकि मैंने नाश्ता किया था और दोपहर को खाना नहीं खाया था, तो इनकी कॉल आ गई थी उस टाइम मैं नहा रहा था, तो बुरश पर के थोड़ा सा ईजी होकर फिर मैं वापस आ गया था इनके पास। तो फिर मैं नेक्स्ट प्लानिंग का पूछता हूँ इनसे कि क्या प्लान है, फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ। यार डिसाइड ये हुआ है कि अभी हम जाएंगे ग्रिल के ऊपर, खाने का आर्डर देंगे। अभी वो उनके पास गाड़ी है, क्योंकि मैं बाइक पे आया था तो बाइक मैंने थोड़ी सी दूर जाके पार्क की है, और अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि बाइक मैंने सही जगह पे पार्क की है, क्योंकि अगर मैं दूसरी जगह पे जहाँ पे ये टावर है ना, ये सामने देख रहे हैं ना टावर है, अगर इस साइड पर अगर मुझे पार्क करना होता तो मुझे काफ़ी चल के आना पड़ता। तो अभी मैं बाइक की तरफ जा रहा हूँ, बाइक लेके फिर हम ग्रिल पे जाते हैं और फिर खाने का डिसाइड करते हैं कि क्या खाना है, फिर आप लोगों को वो भी ट्राई कराते हैं। बच्चे जो हैं वो कैमरे को देख के ठहर जाते हैं। शाम हो गई है और इस टाइम जो है वो सूरज की जो लाइट है वो बहुत ज़बरदस्त अच्छी पड़ती है, बनिस्बत या सुबह के टाइम अच्छी पड़ती है या शाम को अच्छी पड़ती है। यार रेस्टोरेंट में हम पहुंच चुके हैं और तकरीबन ये एक घंटे बाद मेरे पास आ रहे हैं, तो जहाँ पे इन्होंने गाड़ी पार्क की थी तो वहाँ पे गाड़ी नहीं मिली थी, फिर ये ढूंढ ढूंढ के अभी ये मेरे पास आए हैं। और रेस्टोरेंट में बड़ा काफ़ी सारा रश लगा हुआ है। अभी ऑर्डर करते हैं इंशाल्लाह, फिर आप लोग ना वो अपडेट देता हूँ। यार खाना हमारा लग चुके है और हमने मंगवाया है कढ़ाई गोश्त और चिट्टी कबाब है, रोटी सलाद, और अभी एक मगज जो है ना वो आना है, मगज का ऑर्डर दिया हुआ।
ये मगर भी आ गया हमारा, ये भी कढ़ाई है सर, आप जो है ना वो करेक्शन करवा दिया, ठीक है, ये भी कढ़ाई है ना, ये चिकन है, ये भी मटन है, ये भी मटन है, वो भी मटन, अच्छा हाफ हाफ कर दिया। अच्छा यार, एक के जी हमने मटन मंगवाया था और दो जो है वो हमने मंगवाए थे चपली कबाब, एक हमारा मगज रहता है ना। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ, अच्छा है, ये हमारा फेवरेट होता है, जब भी हमने खाना खाया ना तो यहाँ पे चपली कबाब जो है वो लाजमी खाते हैं हम, ये कबाब बड़ा मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, कमाल है। मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे इसका भी, मैं बहुत अच्छा टेस्ट है मटन कढ़ाई का, अभी जो है वो मगज ट्राई करते हैं, तीनों चीज़ें हमने, चार चीज़ें बल्कि हमने ऑर्डर की हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खाना बनता है। और ये है भी माइजर में कराची, सॉरी ग्रिल के नाम से जो है ना ये मशहूर है, तो खाना खाते हैं इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं आप लोगों से। यार खाना हमने खा लिया और दोस्तों को मैंने रवाना कर दिया, और अभी मैं भी रूम पे जाने वाला था क्योंकि रात हो गई है, सुबह से मैं भी निकला हुआ हूँ, तो मैंने सोचा व्लॉग का एंड करते हैं, तो आज का व्लॉग फिर यहीं एंड करते हैं। उम्मीद काफ़ी आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह जितना भी इन्फॉर्मेशन होगी बताने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।